सोनस नॉलेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले कि घर बैठे अपने मोबाइल से कैसे आप ट्रेन की टिकट को 5 मिनट के अंदर बुक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, जिसको आप प्ले स्टोर में सिंपली IRCTC लिख के सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। और इसमें कैसे अकाउंट बनाते हैं, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना कर रखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए इसको लॉगिन कर लेते हैं। और लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपका प्लान माई जर्नी का जो ऑप्शन दिख रहा है, इसको सिंपली आपको क्लिक कर लेना। तो जैसे क्लिक कीजिएगा तो मतलब मान लीजिए कहाँ से जाना है, मतलब मान लीजिए कि छपरा से जाना है और सूरत जाना है। ठीक है, तो छपरा से सूरत का एक टिकट हम बुक करके दिखाएंगे आपको। तो चलिए इसके लिए हम क्या करने का, छपरा से सूरत सर्च करेंगे और इसके पास यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखेगा आपको, 3rd AC स्लीपर क्लास और 2nd क्लास। ठीक है, तो नहीं हमको इसमें से तो कोई टिकट बुक करना ही नहीं, क्योंकि इसमें से कोई खाली नहीं है। तो चलिए अलग डेट का देख लेते हैं, अभी 11 जुलाई का ही है, 30 जुलाई का देख लेते हैं। अभी देखते हैं ओपन होने के बाद, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है 31 तारीख को आपको अवेलेबल दिख रहा है, जो ग्रीन दिख रहा है वही आपका मतलब टिकट मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए एक मैं बुक करके दिखाता हूँ। और सिंपली यहाँ बुक नाउ है, वहाँ पर क्लिक करके आप बुक कर सकते हैं। ठीक है, मैंने 31st जो है उसको सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद से बुक नाउ पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप बुक नाउ पर क्लिक कीजिएगा, आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा और यहाँ पर आपको एड न्यू एड इंस्टेड और एड एक्साइटिंग, तो मान लीजिए आपको एक एड न्यू पर करना है, एड न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नाम डालेंगे, यहाँ पर एज डालेंगे, यहाँ पर जेंडर डालेंगे और यहाँ पर बर्थ प्रेफरेंस डालेंगे, मतलब कहाँ सीट का है। ठीक है, मैं विंडो सीट कर लेता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। उसके बाद से आपको यहाँ पर नीचे आना पड़ेगा, एक और आदमी का नाम इसमें सेव कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ भी डाल लेते हैं और नेशनलिटी नीचे डाल लेते हैं इंडिया, उसके बाद से ओके कर लेते हैं। ठीक है, 2 आदमी का ऐसा नाम हमने डाल दिया। उसके बाद से आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा, ये ईमेल आईडी और ये मोबाइल नंबर, ये दोनों पे आपको ये टिकट का जो है पूरा डिटेल्स आपको आ जाएगा, ईमेल में भी आ जाएगा और मैसेज में भी आ जाएगा। और सिंपली यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं, दूसरा नंबर भी डाल सकते हैं। ठीक है, बस और कुछ नहीं है इसमें, बस हो गया इतना ही है। और यहाँ पर ये दोनों कंसिडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन और बुक ओनली इफ़ कन्फर्म बर्थ्स आर अवेलेबल। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर एड्रेस डालना है, एड्रेस डालेंगे पूरा डिटेल्स में, और यहाँ पर एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर पिन कोड डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको दिख रहा होगा पे का। ठीक है, ठीक है, तो सबसे नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पे थ्रू क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। ठीक है, तो चलिए हम डेबिट कार्ड से इसको पे कर देते हैं। और यहाँ पर नीचे सबसे नीचे जो दिया हुआ है, डू यू वांट टू टेक ट्रेवल इंश्योरेंस, अगर आप ट्रेवल इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये ज़्यादा पैसे का नहीं पता है, 49 फीस ऐसा कुछ पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर नीचे आपको पूरा डिटेल्स डालना है, चलिए भर लेते हैं। डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पर यस दबाएंगे, मतलब सबसे नीचे आपको दिख रहा है यस ट्रेवल इंश्योरेंस का, तो अपना यस दबा, ये देखिए मोबाइल नंबर जो है गलती है, तो यहाँ पर अपना सही कर लेंगे। और यहाँ पर सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा रिव्यू जर्नी डिटेल्स। ठीक है, रिव्यू जर्नी डिटेल्स पर क्लिक करके यहाँ पर सब आपको कंफर्म करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक टिकट है, नाम सही है कि नहीं, सब कुछ अपना चेक करके उसके बाद से प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। चलिए प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। उसके पहले आपको कैप्चा भी भरना पड़ेगा यहाँ पर, तो कैप्चा भी भर लेंगे, 7WCA, चलिए इसको भर लेते हैं। उसको भरने के बाद यहाँ पर सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा प्रोसीड टू पे। ठीक है, तो प्रोसीड टू पे के लिए क्लिक कर लेंगे। तो जैसे ही प्रोसीड टू पे क्लिक करेंगे यहाँ पर ऑप्शन आएगा और यस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि क्या आप बुकिंग के लिए तैयार हैं, तो यहाँ पर यस दबाना पड़ता है। उसके बाद से यहाँ वॉलेट का सिलेक्शन करेंगे, तो मान लीजिए कि आप किससे मतलब पैसा पे करना चाहते हैं, तो बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन है। तो चलिए मैं यहाँ पर सबसे ऊपर मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन पर सबसे ऊपर जो है रुपये, यहाँ पर कार्ड पे ना वीज़ा डेबिट कार्ड ऐसा बहुत सारा ऑप्शन है, तो एक नंबर पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप एक नंबर पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद से यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर सबसे ऊपर कार्ड नंबर डालना है, उसके बाद से यहाँ पर
मंथ और यार एक्सपायरी डालना है, और यहाँ पर CVV नंबर डालना है जो कार्ड के पीछे रहता है, यहाँ पर नाम डालना है और सिंपली पे पे क्लिक कर देना है। तो बस यही है मेथड, ठीक है। और यहाँ पर सबसे आपको नीचे दिख रहा होगा 862.73 इतना टोटल आपका पैसा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आप टिकट को बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको दिखा देता हूँ, एक मैंने ये टिकट बुक करके रखा हुआ, तो मैं आपको उसको दिखा देता हूँ कि कैसे उसको। तो मैंने एक टिकट बुक करके रखा हुआ है, तो उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। बैक करेंगे, बैक करने के बाद यहाँ पर माई ट्रांजेक्शन पर क्लिक करेंगे, और माई ट्रांजेक्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेगा आपको ये माई अकाउंट का ऑप्शन है। माई ट्रांजेक्शन पर क्लिक करने के बाद चाहे माई बुकिंग पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए माई बुकिंग पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं ताप्ती गंगा जो सबसे नीचे जो है, ये देखिए छपरा से सूरत के लिए मैंने टिकट एक बुक किया है, दो टिकट बुक किया है। वैसे यहाँ पर देखिए आपको लिख रहा होगा बुक्ड, तो बुक्ड मत होएगा, बुक हो गया। ये देखिए कंफर्म है, कंफर्म है, ठीक है। ये कोच नंबर है और ये सीट नंबर है, ठीक है। इस प्रकार जो है आप इसको कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका बर्थ टाइप है, यहाँ पर आपका टोटल फ़ी है 858.68, और यहाँ पर आपका फ़ी है 70.70, ठीक है। तो इस प्रकार जो है इसका जो QR कोड है इसको आप स्कैन करके आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर सेव टिकट है, बुक मेल है, आप यहाँ पर मेल भी बुक कर सकते हैं, मतलब खाने पीने का जो सामान है यहाँ पर बुक कर सकते हैं। और यहाँ पर PNR नंबर है, उसको आप लिख के आप कहीं भी आप उसको डालिएगा, जैसे नेट पर डालिएगा तो उसका पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो बस यही है, इस प्रकार आप जो है एक ट्रेन का टिकट जो है बुक कर सकते हैं आसानी से। आसपास में सफाई बनाकर रखें दोस्तों, चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब कर जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में अलग टॉपिक से दोस्तों। गुड बाय एंड टेक केयर।